संजा दे सवेरे दूने पावे। मैया निकल के आई कही जाना दूने हो जाते। भिखारी ने कि हम शाम को दान कर सुबह तक दूने हो जाएंगे। मैया ने सोची लाला दे गए 100 रुपया। लाला 100 रुपये दे गए थे, अब रात रात में कोई काम तो है नहीं, और यदि भिखारी को दे दूं तो सवेरे तक दूने हो जाएंगे। कथा के फिर विसर्जन, मैया ने 100 रुपया निकाले भिखारी को दे, कहीं जाना फिर बताए दिए दूने हो जाएंगे। भिखारी ने की हाँ मैया, 100 रुपये लेके भिखारी चला गया। सारी रात मैया सोई नहीं, महाराज बक्सा खोल खोल के देखते है दुआ से भाई कहना भाई, लेकिन 100 होते भी चले गए। सवेरे लाला सोए के जाएगी, नित्य क्रिया की स्नान ध्यान किया, कही मैया हम बाजार को जा रहे हैं, अब अगर जाना है वो 100 रुपये हमने कल दिए थे हमारे दे दो। अब मैया कभी तो घर के अंदर कभी घर के बाहर बक्सा खोल खोल के देखे, 200 भाई ने भाई, लेकिन 200 क्या वो 100 भी चले गए। लाला ने पूछी मैया क्या बात है, पैसे क्यों नहीं देती? थोड़ा जिद्दी टाइप का था, खेरे पे मकान। मैया ने कही लाला चाहे बुरो मान चाहे भलो, भिखारी आयो हो सब को सो कह रहे हो हमसे कि संजा दे सवेरे दूने पावे, बेटा दूने के चक्कर में 100 रुपया भिखारी देंगे। जरूरत के लिए पैसे रखे थे, बेटा को गुस्सा आ गई, धक्का मार दिया मां को, मां गिर गई जमीन पे। मैया क्या पैर पकड़ के खेत को शुरू करो वाली, कहीं तो शर्मना नहीं तेरे 100 रुपया भिखारी को दे दे, अब इतना जरूरी काम कैसे पूरा होगा। मैया को खींच रहा है खेरे पे, लेकिन पैर की ठोकर लग गई, और मैया के पैर की ठोकर से खेरे की एक ईंट उखड़ गई। ईंट उखड़ी, मैया ने की लाला रुकी है, बेटा रुक गया। मैया ने की देख तो सही, मैया को कलसा की कोर दिखाई दी, खुदाई करी गई, एक कलसा निकला और कलश के अंदर 200 रुपए लिख रहे महाराज, 200 रुपए निकले। मैया ने की लाला ले, बेटा ने 200 दे के बड़ा खुश भयो, और मैया दे हलाए के फिर घर में घुस आई। अब भिखारी लपकोगी तो माने देगी मैया बड़ी भोली है, एक बार में 100 देते, एक बार में 100 देती है। शाम को फिर आवाज लगाई, कहीं भैया संज्ञा दे सवेरे दूने पावे। मैया निकल के आई, कहीं लाला बिल्कुल सही कह, तो मिलते तो दूने ही है, पर थोड़ी बहुत खिचड़ा मन है जाते, धर्म में परेशानी तो आ सकती है, लेकिन वादा है कि मिलेगा दूना, समय आने पर दूना मिलेगा। ये बात केवल हंसी के लिए नहीं कही है मैंने, एक प्रमाण मिलता है प्राणों में कि जिस समय शिशुपाल का वध कर रहे थे प्रभु, चक्र चलाते समय चक्र से उंगली में थोड़ा घाव हो गया, और उस समय द्रौपदी ने अपनी सारी फाड़ के भगवान की उंगली पर पट्टी बांधी थी। एक दिन जब द्रौपदी का चीर खिंचा, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, एक दिन द्रौपदी ने कही कन्हैया यदि आप नहीं होते तो मैं नग्न हो जाता, हम तुम्हारे एहसान बंद हो गए, आपका बहुत बड़ा एहसान है प्रभु हमारे ऊपर। भगवान ने कहा बहना एहसान मेरा नहीं, एहसान तेरा है मेरे ऊपर। अरे चक्र चलाते समय जब घाव हो गया था तूने पट्टी बांधी थी द्रौपदी, तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, उस पट्टी में 999 धागे थे। कितने धागे? 999। भगवान कहते हैं जब तक 999 साड़ी तुझे नहीं पहना दूंगा तब तक जिंदगी भर तेरा कर्जदार बना रहूंगा, ऐसा है मेरा प्रभु जो एक एक धागे के बदले एक एक साड़ी देता है। आप धर्म करके देखिए तो सही। कथा के प्रेमी सज्जनों, तो धर्म के लिए परसों भंडारे के लिए दूध की मना मत करना। आइए एक बार प्रेम से भगवान का नाम।